सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के ग्रुप फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले पुराने पोल से। जब सवाल था कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये जो लॉकडाउन है 21 दिनों का ये एक्सटेंड होगा या नहीं, तो आप में से बोला है 82% ने कि हाँ जी जरूर एक्सटेंड होगा, और उसके बाद में बोलते हैं 17% लोग कि यार लगता तो नहीं है एक्सटेंड होने वाला है। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। कल सुबह 9 बजे एक वीडियो आने वाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी की तरफ से। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या हमको मिलता है अपडेट, क्या इससे जुड़ी हुई कुछ उसमें बातें होती हैं या नहीं। फिलहाल ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है दोस्तों कि करंट सिनेरियो को देखते हुए जो भी करंट सिचुएशन उसके हिसाब से आपकी नज़र में Xiaomi और Realme के बीच में कौन ज़्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कीमत के हिसाब से, मुझे बताना जरूर क्या है आपके मन की बात ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और हमेशा हर बार की तरह ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए और जोर लगा के लाइक के बटन को दबा दीजिए वीडियो को ऐसे ही प्यार देते हुए। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, जहां पे बात हो रही है गूगल AI के बारे में, और यहां पर दोस्तों ये आपकी फोटोज को रेप्लीकेट कर सकती है। जो आइकॉनिक कुछ पेंटिंग्स हैं उनकी स्टाइल में, मतलब यहां पर अभी गूगल जो है वो डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से काम करता है AI और मशीन लर्निंग के मामले में। तो यहां पे बात हो रही है आपकी फोटोज को थोड़ा सा और एनहांस करके, थोड़ा सा रिप्लिकेट करने की। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहां पे Xiaomi की तरफ से, और रिपोर्ट्स के हिसाब से Xiaomi जो है वो भैया अभी 108 मेगापिक्सल के बाद में ब्रेक नहीं लगाने वाला है। यहां पर दोस्तों काम कर रहा है फिलहाल एक 144 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन पे। देखते हैं एग्जैक्टली कि ये कब लॉन्च होता है, कौन सा फोन होता है, और ऐसे में क्या आपको दोस्तों वाकई में अपने फोन में भैया चाहिए इतने सारे मेगापिक्सल सिर्फ नंबर के लिए, या आपको चाहिए बेहतरीन इमेज क्वालिटी। नीचे कमेंट्स में मन की बात लिखते डालिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले वीडियो को लेकर, निकल के आती है खबर सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के बारे में, जहां पर दोस्तों कह रही है कुछ केसेस लीक हुए हैं जो हमको बताते हैं कि फोन का जो डिजाइन है वो जैसे हमको मिला है गैलेक्सी S20 लाइनअप में वैसा ही मिलने वाला है। और इसके अलावा एक और दोस्तों ये बेंचमार्क सामने आया है जो बताता है कि जो Note 20 Plus है वो बेस्ड होगा Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर पे, जो कि और एक कदम आगे होगा Snapdragon 865 के कंपैरिजन के हिसाब से। अब देखते हैं एग्जैक्टली कि Samsung को कब लॉन्च करता है और आखिर किस कीमत पे। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में WhatsApp, Facebook और Instagram को लेके। बेसिकली दोस्तों जो Facebook की तरफ से आने वाली एप्स हैं ये सभी डाउन थी दुनिया भर में रात को कुछ टाइम के लिए। तो हो सकता है अगर आप भी यूज कर रहे होंगे Instagram या Facebook या WhatsApp तो आपने भी नोटिस किया होगा, वैसे किया कि नहीं मुझे बताना, मैं तो खैर सो रहा था उस टाइम पे। तो आपने क्या थोड़ा ब्रेक महसूस किया यहां पे इन्हीं एप्स के साथ में, मन की बात नीचे कमेंट में लिख डालिए। अगला उस तो अपडेट निकल के आता है OnePlus 8 सीरीज के ब्लाइंड सेल को लेके। यहां पर दोस्तों ये जर्मनी में भैया हो रहा है शुरू ब्लाइंड सेल इन्हीं स्मार्टफोन्स का, जहां पे आपको एक स्पेशल पैकेज वगैरह मिलेगा। अभी ऐसे में लोग अपने घरों में रहें या फोन खरीदें, खैर ये उनकी चॉइस है, लेकिन आखिर दोस्तों लॉन्च तो ये होने वाला ही है 14 अप्रैल को इंडियन टाइम रात 8:30 बजे। तो आप भी करना वीडियो के अनुसार, हम देखते हैं एग्जैक्टली कि OnePlus क्या ऑफर करने वाला है किस कीमत के साथ में। अगला उसको अपडेट निकलता है यहां पे Redmi की तरफ से, और Redmi अपना पहला Redmi बैंड लॉन्च करने वाला है 3 अप्रैल को। यहां पर दोस्तों मतलब एग्जैक्टली अभी बैंड का स्क्रीन उल्टा कर दिया है या सिर्फ कोई रिबन वगैरह है मालूम नहीं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये Redmi का एक बैंड आने वाला है। अभी ऐसे में Xiaomi जो है उसके भी तरफ से अभी अपडेट्स ये निकल के आ रहे हैं कि वो भी शायद अपना Mi Band 5 लॉन्च करेगा। एग्जैक्टली क्या होता है इन्हीं बैंड्स के मामले में अपडेट। अगली खबर निकल के आती है यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर होम ब्रॉडबैंड सर्विस को लेके, जहां पर दोस्तों एयरटेल के हिसाब से ये 25 और शहरों में जो है वो एक्सपैंड होने वाला है, जहां पर टोटल 89 दिन लगेंगे इन्हीं शहरों तक पहुंचने में। लेकिन उसके बाद में जो लोग हैं वो बड़े आराम से एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर होम ब्रॉडबैंड जो है उसका मजा उठा पाएंगे। अगला अपडेट निकल रहा है यहाँ पे गूगल की तरफ से, जहां पर दोस्तों ये अभी ऑडियो क्वालिटी जो है डुओ कॉल्स की उसको इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं मशीन लर्निंग की मदद से। वैसे दोस्तों गूगल पिक्सल 4 आया था उसमें काफी अच्छी क्वालिटी का गूगल डुओ हमको मिल रहा था। अभी वैसे आप वाकई में गूगल डुओ काम में लेते हैं या आप काम में लेते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग ज्यादा क्या यूज करते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगला अपडेट निकलता है यहां पे यूट्यूब की तरफ से, जहां पर दोस्तों टिकटॉक जो है वो काफी पॉपुलैरिटी अभी गेन कर रहा है। तो ऐसे में यूट्यूब अभी एग्जैक्टली यूट्यूब क्या है तो खैर आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे यूट्यूब एक दूसरा कोई एक जो है वो अपना वर्जन क्रिएट कर रहा है ऐप का, जो शायद एक नाम है इसका शॉर्ट्स। और ये दोस्तों एक छोटी ड्यूरेशन के वीडियो को शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म होगा यूट्यूब की तरफ से टिकटॉक को कंपीट करने के लिए। देखते हैं एग्जैक्टली कि ये ऑफिशियल लॉन्च कब होता है, हालांकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 2020 के एंड तक आ जाएगा।
फिर तो टिकटॉक पे भी क्यों जाना है यार, जाना है पता नहीं यार, बड़ा कंफ्यूजन है। उसने अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वावे विजन स्मार्ट टीवी को लेके, जहाँ पे पॉपअप कैमरा के साथ में ये जो टीवी है ये 8 अप्रैल को दोस्तों लगता है लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे काफी बड़ा सा पॉपअप है शायद, इसका मतलब मल्टीपल कैमराज हैं, कुछ और स्पेशल सिस्टम होगा इसी टीवी का। इससे पहले दोस्तों ऑर्डर का टीवी आपने देखा था स्मार्ट पॉपअप कैमरा के साथ में, हालांकि इंडिया में पता नहीं अभी ये वावे वाला टीवी जो है ये आएगा या नहीं, इसमें भी हमको जो है वो एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, खैर वो एक क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या चल रही है प्लानिंग इसी टीवी को लेके। वैसे क्या आप अभी एक स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं या एक नॉर्मल टीवी यूज कर रहे हैं, आपका क्या रहता है एक्सपीरियंस, या टीवी आप यूज भी कर रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, लगता है कि रियलमी एक नया फोन लेके आने वाला है 15,000 से कम की कीमत में, जहां पे ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, 30 वॉट से ज्यादा तेज स्पीड वाली सुपर फास्ट चार्जिंग, उसके अलावा 2x ऑप्टिकल जूम और एमोलेड डिस्प्ले, हमको दोस्तों ये सभी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं शायद किसी एक ही स्मार्टफोन में, जहां पे रियलमी की तरफ से ये पोल निकल के आया था। और ऐसे में कभी भी कंपनी जो पोल करती है तो वो सभी ऑप्शन देती है, ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई एक देगी, तो देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या पता दोस्तों यहाँ पे हमको ये सभी फीचर्स के साथ में आने वाला कोई रियलमी का फोन जल्दी ही मिल जाए। वैसे अगर ये फोन होगा तो उसका नाम क्या होगा, सोच के मुझे जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकलता है हमारे पास में Redmi की तरफ से, जहां पे Redmi जो है वो क्रिएटर अकेडमी अपना लेके आ रहा है 6 से 10 अप्रैल तक, जहां पे आपको ये बताएंगे कि आप कैसे एक यूट्यूबर बन सकते हैं अगर आपके पास में एक फोन है तो। अभी एग्जैक्टली दोस्तों ये क्या सिखाएंगे खैर वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये क्रिएटर अकेडमी है, 4 दिन का थोड़ा सा लॉकडाउन के दौरान एक थोड़ा चेंज हो जाएगा टाइम टेबल में। तो दोस्तों यही था कुछ अपडेट, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक बटन शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।